ये हुसैन की पहली क्रूज राइड है, आज हम स्टॉकहोम जा रहे हैं और स्टॉकहोम के बाद हमने नॉर्वे जाना है। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में नॉर्वे जा रहा हूँ और हुसैन भी फर्स्ट टाइम लाइफ में नॉर्वे जा रहा है, और हम क्रूज से पहले स्वीडन जाएंगे और फिर स्वीडन से ड्राइव करके नॉर्वे जाएंगे। गाड़ी नीचे पार्क है हमारी और हमारी ये क्रूज चलना शुरू हो गई है। और भाई इन्होंने एक नया शिप लॉन्च करा था क्रूज ग्लोरी नाम से ना वाइकिंग लाइन वालों ने, तो उस पर हम लोग जा रहे हैं। जो और... बात है भाई, तबड़ है कराची निकल जाए इसमें तो साला आ जा। कराची तो नहीं मगर बहुत बड़ा होता है शिप ना, बड़ा है। पहली दफा जब मैंने देखा था ना तो मैंने भी सोचा था कि यार गाड़ी अंदर जा रही है, ट्रक अंदर जा रहे हैं और ये कितनी बड़ी है अंदर, एक और... शहर जा रहा है ऐसा लग रहा है पानी के थ्रू। हाँ ये बिल्कुल सही, 8,000 कमरे, मॉल, पता नहीं क्या कुछ है अंदर। जब आ रहे थे अपन मुझे तो लगा मॉल है ये, वो मॉल वॉल है ये बिल्डिंग, फिर पीछे पीछे गए खड़ी होगी साला यही थी यही थी। अब मैं वो सोच रहा हूँ देख इतनी इतनी सी है, अब एक शहर चलने लग जाएगा बंदा क्या ही बोले। कौन सा कमरा है हमारा? 7257। अब ये बेड नीचे कर लो, बड़ी नींद आ रही है क्योंकि, खींच लो। यस बिल्कुल ऐसे ही, वेरी नाइस। शावर वावर लेना हो ना अगर तो यहाँ जाके आप शावर वगैरह ले सकते हो, ठीक है। ये सब घर लेके जा सकते हैं? हाँ ये सारा तुम घर लेके पाकिस्तान बल्कि लेके जाना सीधा ना, ठीक है। तकिया भी ले जाना, तौलिया भी ले जाना, वजन पूरा हो जाएगा। मिस्कीन आए थे पाकिस्तान से 40 किलो जो तुम्हारा टर्किश एयरलाइन का वजन हो ना, वह मिस्कीन आए थे पाकिस्तान से, बेचारों को तौलिया दे दिया, ठीक है। तौलिया नहीं ये, हाँ ये रजा, हाँ कम्बल ले जाके पाकिस्तान बेच देना, ठीक है। पैसे ही पैसे, ठीक है पैसे निकल आएंगे। बिल्कुल नया शिप बनाया है इन लोगों ने। 9 पे चलते हैं रेस्टोरेंट्स पे, सही है ना? रेस्टोरेंट्स, बार, शॉपिंग वर्ल्ड, कॉन्फ्रेंस, संडे, स्पा, सब कुछ है इसमें। कैसा है ना? तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना असल में? मसला ये है डूब डुबा ना जाए ना, ठंड भी इतनी है, बेचारा मर जाऊंगा मैं भी लियोनार्डो डिकैप्रियो। अरे हाँ वो भी सर्दियों में ही हुआ था ना। अभी मैं तुम्हें टोरिया कैफे बार दिखाता हूँ। ऐसा रेस्टोरेंट पाकिस्तान में सड़क पे नहीं बना हुआ होगा जैसे यहाँ पे। अबे ऐसा रेस्टोरेंट तो मैंने यहाँ पे सड़कों पे नहीं देखा जैसे यहाँ पे ये है। डेक पे चलते हैं, शिप चलेगी तो मज़ा आता है। भाई यहाँ तो बड़ी सर्दी हो रही है, ये टेरेस से इन्होंने कोई कैफे टाइप बनाया हुआ होगा ना। यहाँ से आओ, यहाँ से जाते तो भाई इतने से कमरे में वो कितने 4 बिस्तर दे दिए, टीवी, एक शिप में टीवी लगा हुआ है ये तुम नहीं देख रहे? 8,000, अबे भाई जब इतनी बड़ी शिप है, मॉल जितनी बड़ी और इतनी भी आई थी, टीवी भी अच्छे देने चाहिए। टीवी क्या यहाँ पे 70 इंच का लगा दें वो तुम्हारे? लेकिन वैसी नहीं है यार टाइटैनिक जैसी, वो घुसो आप अंदर इतना बड़ा 4 ऊपर फ्लोर और फानूस वानूस क्या टेबल लगी हुई है जहाँ लोग बैठे हुए। भाई वो एक फिल्म का सेट था, ठीक है। शब वही होगी शिप देखियो महंगी वाली। अबे जिसका 2,000 यूरो का टिकट होगा हाँ उसमें होगा वो। इस शिप में भी 2,000 यूरो के कैबिन है। अभी सिलिया लाइन वैसा जिसे वापस आएंगे वो वैसा शिप है, मगर इसमें जाहिर है पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं ना बहुत सारे। सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, बर्फ के पानी में कूदते हैं। करूंगा। और फिर जाके उधर बैठ जाते हैं साउना में। साउना और अगर तुम अभी इस पानी में कूद जाओ तो अभी नहीं, अभी तो ये बर्फ के पानी में कूदने है ना, मैं नलका खोल के देता हूँ या शावर भी ले सकते। शुम वाला डाइव मारूंगा मैं, करवाता हूँ ना डाइव। चलो स्विमिंग पूल चले, स्पा भी है। स्पा भाई 2,000 यूरो के भी कमरे हैं वो, जाहिर है सब कुछ होगा ना। जाहिर है तुम्हारे लिए तो रखेंगे नहीं, वो 90 यूरो की उत्ती ले ली तुमने और तुम वो भी गाड़ी समेत। 85 यूरो का ये रूम है, 5 यूरो का ये कमरा अपग्रेड किया था क्योंकि ज्यादा बिस्तर मिले, और 80 यूरो का गाड़ी समेत, बंदो समेत, सारे टिकट समेत हम स्वीडन पहुंच जाएंगे। Thank you.
यार बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मुझे, अभी नींद से मैं अपनी जागा हूँ और बाहर आके रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, बड़ा जबरदस्त है। मैं हुसैन, कैसी लगी शिप? फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्रूज, अच्छा होता है यार बड़ा। आप लोग अगर कभी भी आए ना यूरोप तो ऐसा क्रूज में बैठने की जरूर कोशिश करिएगा, बड़ा आलीशान बनाए हुए होते हैं उन्होंने। अभी पियानो की आवाज आ रही है ना, नीचे कॉन्सर्ट लाइव पियानो बजा रहा है वो बंदा। मगर अभी कॉफी वॉफी पी लूँ है, पीनिया। बस नॉर्वे पहुँचने वाले हैं, मैं असल में सो गया था, अब नॉर्वे पहुँचने वाले तकरीबन ढाई घंटे में नॉर्वे पहुंच जाएं, नॉर्वे नहीं स्वीडन पहुंचेंगे, और फिर स्वीडन से ड्राइव करते हुए जाना है नॉर्वे, तकरीबन 6-7 घंटे फर्दर मोर। तो अभी हम लोग आए स्वीडन, स्वीडन में बस हम लोगों ने खाना खाया, अभी हम लोग निकल ले नॉर्वे के लिए। देखो भाई यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ गाड़ियाँ, लगे तो गए काम ऐसा उतरेगा पुलिस वालों को भी नहीं मिलेंगे तो काम पूरा उतरेगा भाइयों। तो अगर पहुँच गए नॉर्वे तो आपसे वापस मिलते हैं, ओके बाय बाय। जी तो हम पहुँच चुके हैं नॉर्वे और ये अभी हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये आ गया बस, कस्टम आ गया। कस्टम अगर डिक्लेयर करने के लिए तो वहाँ जाओ, वरना सीधे घुस जाओ। चलो भाई नॉर्वे में घुस गए, घुसे भी हैं या नहीं? घुसे जो भी बात है, मैं भी यही सोच रहा हूँ घुसे भी हैं या नहीं, पता ही नहीं चला। अचानक से कुछ बदला? ओह ये बदला ना, हाँ हरियाली सा लग रहा है ना कुछ। हाँ तो बस घुस गए, इसका मतलब पर फर्क नहीं पता चलता। मैसेज आया, मैसेज फोन पे आता है। हाँ ये नॉरिये 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 घुस गए भाई नॉर्वे। वेलकम टू नॉर्वे माय फर्स्ट। ये देखो मुल्क में ही घुस गए, पता अभी यार घुसे भी है या नहीं। सही है, VIP है जो बात है यूरोप। आप घुस जाओ किसी भी मुल्क चले जाओ, बॉर्डर चेकिंग तक भी नहीं हुई, मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। और तुम्हें पता है नॉर्वे जो है वो, ये देखो मैसेज आ गया, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता नॉर्वे। हाँ। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, नॉर्वे शेंगेन एरिया में आता है। मगर हाँ। मगर फिर भी देखो आप, यूरोपियन यूनियन के अभी हम टेक्निकली बाहर आ गए, मगर कोई चेकिंग नहीं, अभी पता भी नहीं चला हम एक दूसरे मुल्क में। जो बात है, पासपोर्ट तो ऐसे ही रखे हुए बैग में, निकालने ही नहीं पड़े कहीं साला, ना कोई वो भी, और उसके लुलुपा भी नहीं निकाला कहीं के लिए भी। हेलो भाई कैसे हैं आप सब लोग? मैं पहुंच गया हूं अभी एयरबीएनबी पे, 50 यूरो का बुक हुआ, 550 किलोमीटर गाड़ी चला कर आए हम, और फिर तुर्कू भी गए थे तकरीबन 120 किलोमीटर, 700 किलोमीटर आज गाड़ी चलाई है, और अब हम सोने जा रहे हैं, पहुँच गए नॉर्वे। नो टाइम, पीस आउट, बाय बाय। कल मुलाकात होती है, ठीक है, पहुँच गए हम नॉर्वे, वेरी नाइस, बाय। वेरी कोल्ड, very, it is very cold, okay, bye.